पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश भर के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दूसरे चरण का मुरादाबाद में नाम है। उसके बाद की जो स्थिति है, चुनावी मैदान में नेताओं का जाना शुरू हो गया है, मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं MLC डॉक्टर जयपाल सिंह वैश्य जी। उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो चुनाव मैदान में उतरने के बाद लोगों के बीच जाना हो रहा है और भाजपा के लिए वो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या कहना है इस पर जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता के बीच जाना हो रहा है आपका, किस तरह की तैयारी है और क्या कहना चाह रहे हैं? तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 वर्ष से योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हमें पूरा एक रोड मैप दे चुकी है भाजपा। संगठन की ओर से जो रोड मैप है, उस रोड मैप को क्रियान्वित करने का काम इस समय पर, जब चुनाव की घोषणा हो गई है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, तब से कार्यवाही हमारी प्रारंभ हो चुकी है और सारी तिथियां सुनिश्चित हैं। 21 तारीख से लेकर 28 तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 2 तारीख माने 28 के बाद 2 दिन में नाम वापसी और चुनाव चिन्ह जमा करने का, अधिकृत जो अधिकार पत्र है वो जमा करने का विषय पूरा हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि क्षेत्र में जो पहुँच कर हम एहसास कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, मैं टीचर रहा हूँ, BA DMED को पढ़ाया है और एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। उसमें एक टर्म आती है बॉडी लैंग्वेज, व्यक्तियों के गेस्चर्स, जो गेस्चर्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो पूरा रिफ्लेक्ट करती है कि उसके व्यक्ति के मन में क्या है। मन में जो विचार है, जो मन के जो भाव हैं, वो चेहरे पर हमें दिखाई पड़ते हैं। एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि कोरोना गाइडलाइन भी है और चुनाव आयोग ने जिस तरह के से नियम बनाए हैं उसके बाद में अगर करें तो एक बड़ा चैलेंज भी है जनता के बीच जाने के लिए, किस तरह से उसको फेस करें? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है आपके संज्ञान में, और उसी के आधार पर ओमिक्रॉन की संभावना जब से दिखाई पड़ी, तब से भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचारात्मक काम करना चाहिए था वो पूरी आचार संहिता की घोषणा के पहले कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे राज्य में 13 विशाल जनसभाएं कर चुके हैं, 6 यात्राएं जन विश्वास यात्रा के रूप में पूरे राज्य को कवर कर लिया है, कोई विधानसभा बची नहीं है। तो प्रचार का विषय, प्रसार का विषय दूसरे दल अभी शुरू भी नहीं कर पाए, हमारा ये चुनाव की घोषणा से पहले हमारा ये सारा काम संपन्न हो चुका है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है, विपक्ष कहीं ना कहीं जो सवाल उठा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि काम नहीं किया, या सीधे तौर पर अखिलेश की बात करें तो कि आ रहे हैं अखिलेश, क्या कहें इसको लेकर? ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अंगूर खट्टे हैं। मुझे आज तक सरकार की विफलता का एंटी कॉमेंसी उसे कहते हैं, एक पॉइंट कोई नहीं बता पाया है, एक भी। और विकास की बात करते हैं, पूरा आप भी देख रहे हैं, जन सामान्य देख रहा है, माने सबसे ज्यादा विकास हुआ है उन लाभार्थियों को जिसकी चिंता किसी ने नहीं की। गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ के नारे पर 50 साल तक जिन्होंने शासन किया, केंद्र में शासन किया, देश के अधिकांश राज्यों में शासन किया, लेकिन गरीब तो मिट गए लेकिन गरीबी को मिटा नहीं पाए। एक बड़ा सवाल है, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो योजनाएं क्रियान्वित की वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही, जो समाजवादी की थी वही वापस एक बार फिर से भाजपा ने अपनाई।
उनकी योजनाएं अच्छी थीं तो उन्हें पूरा करना चाहिए था। अगर उनकी कुछ अच्छी योजनाओं को जो अधूरी रह गई थी उनको पूरा किया है तो कोई पाप तो किया नहीं है, जनहित में काम किया है। और दूसरा, सबका साथ सबका विश्वास, ये तो किसी ने करके नहीं दिखाया आज तक। आज तक शौचालय किसी ने नहीं बनवाए, आज तक घरों में बिजली किसी ने नहीं पहुंचवाई, हैं, खुले साए में आसमान के नीचे जो रहते थे मकान तो किसी ने नहीं बनवाए, आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का बीमा तो किसी ने नहीं करवाया, सड़कों का जाल तो किसी ने नहीं बिछाया, एक्सप्रेस वे कितने बन गए जी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस राज्य में कितने बन गए जी, और डोमेस्टिक कितने हैं आप सबके सामने हैं, तो मेट्रो कितनी शुरू हुई वो सब आपके सामने हैं। इस बार अगर यूपी में बात करें तो कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने जा रही है? मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ और जन सामान्य तक मेरी अप्रोच है, संपर्क में हूँ। मुझे लगता है कि जो नारा दिया है कि फिर एक बार 300 पार, हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबालब है और पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आश्चर्य न मानिए कि कहीं पिछले रिकॉर्ड 325 के को भी हम पार न कर दें। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के MLC भी हैं, और इन्होंने हमसे बेबाकी से बात की है और सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं पिछले रिकॉर्ड को इस बार भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही है। पब्लिक TV आपकी आवाज़।